Very good morning, dear students. Today we'll start our online teaching as well. Our first chapter, and our first chapter is crop production and management. Okay, so we have discussed in our earlier classes that food is essential part of our life. All living organisms require food. You know, food is the source of energy. What? Food is the source of energy. Source of energy. So, where we get food from? कि हमें food कहाँ से मिलता है? तो पिछली classes में हमने discuss किया था कि there are two kind of sources. First one is the plant source and next one is the animal source. So, we will learn about the plant sources here. Okay? हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे प्लांट सोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन हमें करना है. ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन हम कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें. ठीक है, मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत हो रही है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड. आपको पता ही है कि फूड की इम्पॉर्टेंस क्या है. ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है जिससे कि उसकी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो सके. ठीक है, तो सिल्स वी ऑल नीड फूड. ठीक है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री. कि हमें क्या चाहिए, हमें फूड चाहिए सभी के लिए, लेकिन हमारी कंट्री में इतने सारी पॉपुलेशन है, उस सबको हम फूड अवेलेबल कैसे करवाएं. ठीक है, तो कैसे करवाएं, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि उसका प्रोडक्शन क्या हो, लार्ज स्केल पे हो, तभी हम क्या करा पाएंगे, इतनी पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, हम फूड प्रोवाइड करा सकते हैं. तो हमें क्या कराना पड़ेगा, क्रॉप का प्रोडक्शन कराना पड़ेगा. अब हम क्रॉप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, क्या है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कौन कौन सी टाइप की क्रॉप्स होती हैं जो हम कल्टीवेट करते हैं. तो मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. कितने टाइप, टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. फर्स्ट वन इज द खरीफ क्रॉप्स. कौन सी क्रॉप होती है सबसे पहले, खरीफ क्रॉप्स. और नेक्स्ट वन इज द रबी क्रॉप, रबी क्रॉप्स. ओके, What are the kharif crops? Kharif crop and rabi crops are differentiated on the basis of season. ठीक है, इनको differentiate two kinds में divide किया गया है. किसके basis पर divide किया गया है, इनके growing season के according इनको क्या किया गया है, differentiate किया गया है. ठीक है, तो what are kharif crops? Kharif crops are those crops which are shown in रेनी सीजन. ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स हैं जो कब बोई जाती हैं, रेनी सीजन में. शोन का मतलब क्या हो, बोना. ठीक है, जिनको हम बोते हैं कब बोते हैं, रेनी सीजन में बोते हैं, बरसात के टाइम पे हम इनको बोते हैं. ठीक है, और इंडिया में रेनी सीजन कब होता है, इंडिया में रेनी सीजन होता है जून टू सेप्टेम्बर. कब होता है, जून टू सेप्टेम्बर इज द रेनी सीजन इन इंडिया. नेक्स्ट क्रॉप रबी क्रॉप. रबी क्रॉप आर दोज क्रॉप विच आर शोन इन विंटर सीजन. कब बोई जाती है, ठंड के टाइम पे बोई जाती है, विंटर्स के टाइम पे इनको हम क्या करते हैं, शो करते हैं, बोते हैं. और विंटर टाइम कब से स्टार्ट हो जाता है, हमें अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से शुरू होता है और मार्च तक क्या चलता है, हमारा विंटर सीजन ही चलता है. ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमने किसके बेसिस पर इनको अलग अलग कर दिया है, सीजन के बेसिस पर. ठीक है, इनके बोने का सीजन कौन सा है, उस बेसिस पे हमने इनको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया. तो हमने कहा कि खरीफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन. रेनी सीजन इज जून टू सेप्टेम्बर.
And rabi crops are those crops which are shown in the winter season, and winter season starting from the October and ending to the March. ठीक है, अब हम कहते हैं कि कौन सी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स हैं. ठीक है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं जो कि हम रेनी सीजन में बोते हैं. तो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. पैडी, पैडी मतलब क्या होता है, धान चावल जो हम ग्रो करते हैं, वो भी हम कब बोते हैं, रेनी सीजन में. मेज़ मक्का, ये भी हम कब बोते हैं, रेनी सीजन में. सोयाबीन, सोयाबीन भी कब ग्रो की जाती हैं, रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं. ग्राउंड नट मूंगफली, ठीक है, ये भी कब बोई जाती हैं, ग्राउंड नट नट ग्राउंड नट ये भी कब बोई जाती है, हमारी रेनी सीजन में ही बोई जाती हैं. कॉटन जो कपास होता है, जिसके आपके क्लोथ्स आप पहनते हो समर्स में, वो सारे क्या हैं, कॉटन के बने हैं. तो ये सारे जो पैडी हैं, मेज़ हैं, सोयाबीन है, ग्राउंड नट हैं, कॉटन है, एट्सेट्रा, ये क्या हैं, खरीफ की क्रॉप्स हैं. ठीक है, अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे रबी क्रॉप्स के. ठीक है, तो रबी क्रॉप्स एग्जांपल वीट, जो गेहूं है, ठीक है, वो कब बोया जाता है, विंटर में बोया जाता है. ग्राम चना विंटर में बोया जाता है. पी मटर विंटर में बोई जाती है. मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल आपने सुना होगा, सरसों का तेल, ठीक है, सरसों भी कब बोई जाती है, विंटर में, तो ये भी क्या है, रबी है. लिंसेड तेल, ठीक है, ये भी क्या है, रबी क्रॉप्स हैं. तो अभी हमने टाइप ऑफ क्रॉप डिस्कस कर लिए हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप. ठीक है, खरीफ क्रॉप कौन की क्रॉप, वो क्रॉप्स जो हम कब बोएंगे, रेनी सीजन में. रेनी सीजन कब होगा, जून टू सेप्टेम्बर. ठीक है, रबी क्रॉप कौन सी होगी, जो हम बोएंगे विंटर सीजन में. विंटर सीजन कौन सा होगा, अक्टूबर टू मार्च. एग्जाम्पल्स खरीफ क्रॉप्स से आपके पूछे जाते हैं, तो आप लिखोगे पैडी हो गया, मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन हो गया, एट्सेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल हैं, खरीफ के हैं. रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप क्या लिखोगे, वीट हो गया, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसेड, ये क्या हो गया आपके, रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हो गए. इसके अलावा बिसाइड दीज क्रॉप्स, ठीक है, पल्सेस में तो दालें, एंड वेजिटेबल्स जो आप सब्जियां खाते हो. पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर. ठीक है, इसके अलावा जो पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं वो कब बोई जाती हैं, समर्स में, गर्मियों में बोई जाती है. और उसे हम तीसरा नाम देते हैं, जैद क्रॉप. क्या देते हैं, जैद, ZAID, जैद क्रॉप्स, ऑल दोज आर द जैद क्रॉप्स. ओके, तो आपने मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ ली हैं, उसके अलावा एक और क्रॉप आपने पढ़ी, जैद की क्रॉप, जो कि इनके अलावा कब बोई जाती है, समर्स में बोई जाती हैं. और इनमें कौन आती हैं आपकी, जितनी पल्सेस हैं, दालें हैं और वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, ये किसमें आती हैं, जैद में आती हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी पहेली और बूझो हैं, दो बच्चे जो कि आप देखते रहते हो कि क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन पुट अप करा हुआ है, कि क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं. ये बोल रहे हैं कि why can paddy, जो धान है, ठीक है, not be grown in the winter season. ये कह रहे हैं कि जो पैडी है, धान है, उसको हम विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, आप देख रहे हो ना कि जो धान है, ऊपर देखो आप एग्जाम्पल में पैडी कहाँ रखा हुआ है, रेनी सीजन में रखा हुआ है. ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि क्यों ये खरीफ की क्रॉप है, ये रबी की क्रॉप क्यों नहीं हो सकती, इसको विंटर में हम क्यों नहीं बो सकते हैं. ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि रेनी सीजन में हम कौन सी क्रॉप्स बोएंगे, जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होगा या कम पानी चाहिए होगा. ऑब्वियसली बात है कि रेनी सीजन कौन सा सीजन होगा, जब वाटर अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, तो पैडी को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए, बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ वाटर चाहिए उसके लिए.
तो वाटर्स को कहाँ नहीं मिल सकता है, विंटर सीजन में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, रेनी सीजन में, ठीक है। तो आप लिखोगे कि पैडी रिक्वायर्स, जो धान है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए, इट इज ग्रोन ओनली इन, कौन से सीजन में ग्रो किया जाएगा पानी वाला, रेनी सीजन, इन द रेनी सीजन, ओके। हो गया इतना। इसके बाद हमारे पास है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्या है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, हमें क्या करना है, क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है, हमें उगाना है क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप्स ऐसे अपने आप तो नहीं उग जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्रॉप्स को उगाने के लिए, जो जो चीज़ें हम करते हैं, जो भी चीज़ें हम क्रॉप्स को उगाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ टास्क हैं जो हम करते हैं, ठीक है, वही टास्क और एक्टिविटीज़ क्या हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज या टास्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। वो कौन कौन से टास्क हैं, अब आप पूछोगे कि कौन कौन से टास्क होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमें क्रॉप्स को कल्टिवेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, या हम क्रॉप को कल्टिवेट करने के लिए कौन कौन से टास्क करते हैं परफॉर्म, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो एक्टिविटीज़ नंबर वन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कहाँ क्रॉप को उगाना है, ग्रो कहाँ कराना है, फील्ड्स में क्या होगी, सॉयल, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, सॉयल आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, पहला सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। प्रिपरेशन का मतलब तैयार करना, सॉयल मतलब मिट्टी को तैयार करना है हमें, ताकि हम अब उसमें क्या कर सकें, सेकेंड एक्टिविटी क्या होगी, शोविंग ऑफ सीड। प्रिपेयर कर ली हमने सॉयल, ठीक है, अब हम क्या बोएंगे, हम बीज बोएंगे उसमें, बीज बोने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे या कुछ और करेंगे, हम उसमें क्या डालेंगे, हम उसमें खाद डालेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो भी क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मैन्योर क्या हैं, फर्टिलाइजर्स क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, कौन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फोर्थ हम क्या करेंगे, इरिगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर, सिंचाई करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इरिगेट करने के बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है। वीड्स क्या होती है, आपने देखा होगा कि आपके जो मेन प्लांट्स होते हैं, जो आपने बोए होते हैं,
ठीक है, सिर्फ वो ही ग्रो नहीं करते हैं फील्ड्स में, उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे घास जैसे, ग्रास जैसे प्लांट्स भी क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। एक्चुअल में आपने उनको शो नहीं करा होता है, फिर भी वो ग्रो कर जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो वीड्स क्या है, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, क्या है, अनवांटेड, जो आप नहीं चाहते हो, अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं वीड्स, ठीक है। तो उन वीड्स को हमें क्या करना है, हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि वो सॉयल से क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। आप सारे न्यूट्रिशन वीड्स ले लेंगे तो आपकी मेन क्रॉप्स को तो कुछ मिलेगा नहीं, तो मेन क्रॉप क्या हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या है, वीड से भी आपने इनको प्रोटेक्ट कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, अब आपकी फसल क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो फसल तैयार हो चुकी है तो अब क्या करेंगे, उस फसल को काटेंगे, हार्वेस्टिंग क्या करेंगे, हम उस फसल को काटेंगे, ठीक है, हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद आपको क्या मिल गया, आपकी फसल तैयार है, आपकी जैसे गेहूँ है, चावल है, वो तैयार हो गया। अब आप उसको क्या करोगे, सीधे मार्केट में बेच दोगे, सपोज मार्केट में रेट कम है, ठीक है, तो पहले आप उनको ड्राई करोगे, सुखाओगे, और उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो लास्ट आपके पास है स्टोरेज, ठीक है, तो आपका स्टोरेज भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। पता चल रहा आपने स्टोर किया और बाद में देखा और सारी की सारी क्रॉप्स आपकी सड़ चुकी है, ठीक है, तो आपका ये सारे 6 स्टेप करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो स्टोरेज भी क्या है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे 7 पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे इन 7 पॉइंट्स को। फिलहाल आपको ये 7 पॉइंट्स याद करने हैं, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको क्रॉप्स का डिफरेंशिएशन करना है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किन्हें कहते हैं, और आपकी बुक में जो भी डेफिनेशन है यहाँ तक की, वो सारी डेफिनेशन आप लोग नोटबुक में लिखोगे, और वो काम आप अपना नेम के साथ, ठीक है, मुझे आप लोग मेरे पर्सनल नंबर आपको पता ही है उस पर आप व्हाट्सएप करोगे। आप क्लास ग्रुप में कोई भी होमवर्क नहीं भेजोगे, सारे होमवर्क आप पर्सनली मेरे नंबर पर भेजोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।